हेलो फैम्स, सो कैसे हो आप सब लोग। आगे एक नई वीडियो के साथ, जैसा कि दिवाली आने वाली है, दिवाली में फैमिलीज़ को आपस में या पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को मिठाई के डब्बे देते हैं, स्वीट्स देते हैं, तो हमने सोचा उसको बल्क में लेने के लिए चलते हैं डी मार्ट। सो गूगल में हमने डी मार्ट का मैप लगाया इंद्रपुरम वाला और हम स्टार्ट हो गए। सो हमने डिसाइड किया ऑलमोस्ट 10-12 डब्बे तो लेंगे, देखते हैं कुछ स्वीट्स के लेंगे, कुछ जो भी गिफ्ट हैम्पर्स टाइप के होंगे वो लेंगे। सो डी मार्ट में सामान सस्ता मिल ही जाता है, तो सेक्टर 62 से होते हुए गए। लकीली ट्रैफिक नहीं था सैटरडे को। सो ये देखिए डी मार्ट पहुँच गए हम, ओनली 10 किलोमीटर दूर था नोएडा सेक्टर 12 से यहाँ का। यहीं पे कहीं है ना? हाँ, डी मार्ट में जाके देखते हैं कि क्या क्या। बेसिकली मेन रीज़न तो वही है कि हमको स्वीट्स वगैरह लेनी, लास्ट टाइम भी डी मार्ट से ही लिए थे, बट इंद्रपुरम से नहीं लिया था हमने, नोएडा एक्सटेंशन वाले डी मार्ट से लिया था। ये डी मार्ट, ये रहा बोर्ड लगा है। अब हमने जाना है ये रहा मार्ट, इधर चलना है ना हमने तो। और गाड़ी नीचे, अभी वो गाड़ी निकली है जगह हो गई सामने, वो गाड़ियाँ निकली है ना अभी। ये है ना यहाँ पे, ये तो रास्ता होगा ना। हम आए हैं डी मार्ट में शॉपिंग करने, गाड़ी हमारी पार्क हो गई है। पार्किंग वाली कंपनी जो है ऊपर पूरा डी मार्ट दिवाली में सजा हुआ है। डी मार्ट में सस्ता सामान मिलता है सबको पता है, देखते हैं 15 रुपये। सो हम डी मार्ट तो पहुंच गए हैं, पूरी दिवाली की यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रखी है, जगह जगह सजा हुआ है। सो अंदर चल के देखते हैं। अंदर मेन गेट से घुसते ही देखा बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं, दुनिया भर के बॉक्सेस, बाय वन गेट वन फ्री, 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। गेट के अंदर घुसते दिवाली के स्वीट्स के बॉक्स भरे पड़े, हर ब्रांड के, कैडबरी हो, बिस्किट्स के ब्रांड हो, नमकीन के ब्रांड हो, रसगुल्ले हो, स्वीट्स हो, इवन कैडबरी पे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, बट स्टिल आपको डिस्काउंट बेटर मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट। बट स्टिल भाई बच्चों को तो कैडबरी पसंद है, तो फिर कैडबरी के भी हमने कुछ बॉक्सेस उठाए 8-10। हमने सोचा चलो पहले पूरा डी मार्ट का नज़ारा ले लेते हैं, बाद में तो बॉक्सेस उठा लेंगे, तो भर भर के हैं तो कहीं नहीं जाने वाले। सारे प्राइसेस ऊपर लिखे हुए हैं, आप प्राइसेस देखिए किस प्राइस में कितना डिस्काउंट है, ज़्यादा समझ आ रहा है तो लीजिए, नहीं समझ, इवन हम तो जितना प्लान करके गए थे उससे ज़्यादा ही लेके आए हैं। सो शॉपिंग की शुरुआत हमने मंदिर के लिए घंटी लेके करी। मंदिर में घंटी थी छोटी सी, बट उसका जो अंदर बजाने वाला होता है वो हमारी गुनगुन में हमने तोड़ दिया, तो वो बज नहीं रही थी, तो इसलिए हमने सोचा चलो घंटी ले लेते हैं, यहाँ दिख गई। घंटी लेने के बाद हमने एक बैग उठाया, साइड बैग, उसके बाद हम बस ऐसे ही घूमते रहे कि क्या ले सकते हैं करके। सो काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइस हुए, देखिए 99 रुपीज़ की सारे चार्जर्स अडेप्टर्स, और 99 से स्टार्ट थे। चार्जर लेना है, डेटा केबल लेना है, अडेप्टर लेना है, ईयरफोन्स लेना है, टाइप सी ईयरफोन्स देख रहा था, मिला नहीं तो मैंने छोड़ दिया। बाकी अगर आपको घर के लिए सामान लेना है या तो आप सदर बाज़ार जा सकते हैं, सदर बाज़ार में तो इससे भी अच्छे प्राइस पर मिलेगा, बट अगर सदर बाज़ार नहीं जा सकते हैं, नहीं घूमना चाहते तो डी मार्ट चले जाओ, उससे अच्छे कम बेस्ट प्राइस पर मोस्टली चीज़ें नहीं मिलती हैं। अमेजोन से भी बेस्ट प्राइस पर मिल जाता है यहाँ पर बल्क में चीज़ें लो तो। देखिए काफ़ी सारी बॉटल्स हैं, बड़े बड़े स्टोरेज बॉक्स हैं, मैंने अमेजोन से कंपेयर किया तो यहाँ पर प्राइस अच्छा था उनका, बट मैं अमेजोन से ले चुका था वो बड़े बॉक्सेस। उसके अलावा कपड़ों का सेक्शन भी है, जो कि मुझे स्पेशली थोड़ा समझ आता नहीं है, एवरेज कपड़े ही हैं यहाँ पे, बट स्टिल घर पे पहनने के लिए या नॉर्मल कपड़े आप ले सकते हैं यहाँ पे। अभी ये तो कुछ भी क्राउड नहीं है, बट अभी दिवाली आने वाली, तो ये वाला जो वीकेंड होगा इसमें ख़तरनाक भीड़ होने वाली है। लास्ट टाइम भी हम एक वीक पहले गए थे, इतना भीड़ होता है कि एक तो ये कितना बेसमेंट में बना रहता है कि पता ही नहीं लगता है, बाहर उजाला हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, इतना उजाला रहता है ऐसा लगता है मॉर्निंग ही है। एंड दिस इज़ मार्केटिंग स्किल ऑन लेके, आपको पता ही नहीं लगे बाहर क्या हो रहा है। ये पूरा मसाले और ग्रॉसरी सेक्शन है, ये पूरा अलग ही है। ये देखिए यहाँ पर भी स्वीट्स के बॉक्सेस भी रखे हैं जगह जगह। अफकोर्स जिस ब्रांड ने ज़्यादा पैसा दिया है वो मेन गेट पे हैं, जिन्होंने कम दिया वो थोड़ा पीछे हैं, बट अगेन बहुत सारे हैं, आप पहले पूरा एक्सप्लोर कीजिए, उसके बाद ही जो लेना है वो लीजिए, पहले ही तुरंत घुसते ही अंदर अपने आप मत रख लीजिए चीज़ें कि हाँ उठाना, आगे पूरा घूमिए उसके बाद देखिए क्या लेना है। ये यहाँ पर फ्रोज़न चीज़ें भी हैं, फ्रोज़न भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के रखे हुए हैं ब्रांड कंपनी के।
ये कुछ चेयर टेबल है, हम गुन्नू के लिए देख रहे थे चेयर टेबल, बट कुछ समझ नहीं आया। ये प्लांट्स के लिए हैं चीज़ें, तो दोनों बहुत बड़े हैं। नॉर्ड एक्सटेंशन का भी काफ़ी बड़ा है और ये विद्यापुरम का भी काफ़ी बड़ा है, पूरे घर के सामान मिल जाते हैं। ये मिठाई के बॉक्स कस्टमाइज्ड हैं, तो एक लेडी तो यहाँ से 20-25 बॉक्स उठा के ले गई, पूरा एक रो ख़त्म कर दिया उसने। ये एक अजीब से नए ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक है, पता नहीं क्या है, जीरो क्लियर लेमन, एक ब्लैक बीटा कोला सा कुछ तो। सो ये हमारा सारा सामान है, ऑलमोस्ट 12,900 का पूरा सामान आया है, देख सकते हैं अभी इतना क्राउड है नहीं। 12,900 में 13,000 में समझ लेते हैं, 7-8,000 का तो हमारा सिर्फ ये दिवाली वाला ही सामान है, बाकी नॉर्मल सामान बहुत ही कम है। बस ये हम पार्किंग में आ गए, गाड़ी ले ली अपने और चल दिया हम घर को। सो बस यही था दिवाली स्वीट शॉपिंग फ्रॉम डी मार्ट। ये पार्किंग से हम बाहर आ रहे हैं। एक्चुअली डी मार्ट को जो प्रॉफिट होता है ब्रांड से, उस प्रॉफिट को भी वो लगा देता है कस्टमर का प्राइस रिड्यूस करने में, इसीलिए वो कभी कभी ऐसे प्राइस पे भी अवेलेबल कराता है प्रोडक्ट जिस प्राइस पे शायद फैक्ट्री से भी अवेलेबल ना हो, तो इसीलिए डी मार्ट ज़्यादा चलता है। और यहाँ तो डी मार्ट ही चलता है, पुणे में भी डी मार्ट ही चलता था, चेन्नई में बिग बाज़ार चलता था जो कि बंद हो गया है। तो ये बस हम वापस आ गए, बस अब वापस घर जा रहे हैं। सो हमारी दिवाली की शॉपिंग तो एडवांस में ही हो गई है, 2 हफ्ते पहले सारे स्वीट्स आ गए हैं, ये देखिए सारी शॉपिंग्स। ओके बाय बाय, सी यू, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।